हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अब 6 दिन रह गए हैं SBI PO के। तो 6 दिन में अपन 6 मॉक कर लेते हैं साथ में। जो अपनी चेकलिस्ट की वीडियो वो शाम तक आपके पास आ जाएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए, बट आएगी ज़रूर। ठीक है, इसमें अपन मॉक देखेंगे। ये मॉक अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपने को एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट में, उसके बाद कोई डी आई करेगा, मतलब नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, फिर डी आई अर्थमेटिक आती हैं। तो उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो, पहले उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अपन पहले देखते हैं, ये डी आई आ गई। डी आई के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, देखना कि देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं इसमें डी आई में। एक एसलेट डी आई, एक हिंदी है इसकी, यहाँ साथ में हिंदी भी रखी है। ये यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन आता है जो अपने को सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है, यहाँ पे लिखने से रह गया। अप्रोक्सीमेशन और इसके अलावा क्वाड्रेटिक रखी है, बस 5 5 10 क्वेश्चन ये रखे। ये 10 क्वेश्चन मैंने थोड़े इजी रखे हैं, कलर मतलब बोल सकते हो कि पीओ के टाइप में। मॉक में आप नहीं देखोगे इतने इजी, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बट रखे हैं क्योंकि अर्थमेटिक और डीआई का लेवल काफी हाई ले लिया है, तो उनको मेंटेन करने के लिए 20 मिनट में मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना, उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा इजी रखा है। ये क्यूब, यहाँ पे ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो 726 का क्यूब रूट कितना होता है? इस क्वेश्चन का आइडियल टाइम है 10 सेकेंड से भी कम, 729। ये 726 है, 726 का तो होता नहीं, तो अप्रोक्सीमेशन लेना है तो 729 का होता है। 729 का कितना होता है? 9, ठीक है। ये कितना हो गया? 20%। ये कितना? 881 होता है। 881 को क्या लिख लोगे आप? 880 लिख लोगे तो आपके पास आ जाएगा। 20% क्या होता है? 1/5। तो 880 का बटे 5 करोगे तो कितना हो गया? ये 17 5 85 और ये 176 प्लस 25% किसका? 2201 का। 2201 का तो होता नहीं, 2200 का निकाल लो क्योंकि पॉइंट में आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो 2200 का 1/4 कितना हो गया? 1100। 1100 बटे 2 550, टोटल करोगे तो कितना हो गया? 9 6 15, 6 7 6 13 और 6 और 1 735। 735 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। 782 ये पावर है, यहाँ पे ये पावर का निशान होता है, पावर 1/2। 1/2 पावर मतलब रूट हो गया। 782.8 है यानी 783। 783 का रूट क्या होता है? 783 का तो आपको पता नहीं, बट 784 का पता है। अप्रोक्सीमेशन लेना है तो कितना हो गया? 28 प्लस 37.5% कितना होता है? ये तो याद ही होना चाहिए, 3/8 होता है। 3/8 किसका? 2688 का। तो 8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 8 3 24, 8 3 24, 8 6 48, 336। 336 इंटू 9 करोगे तो 300 इंटू 3 करोगे तो 900 प्लस 36 इंटू 3, 108। उसके साथ में प्लस में क्या है? 48 इंटू 34 अपॉन 67.7 यानी 68। 34 से ये कट करोगे तो 2 2 से ये कट किया तो ये कितना हो गया? 28। तो 28 प्लस 28 52, 52 प्लस 8 60, 1060 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। यहाँ पे लिख के दे दिया अप्रोक्सीमेशन है, वो पहले दो क्वेश्चन में रह गया था। तो ये कितना होता है अप्रोक्सीमेशन? 117। ओके, ये कितना होता है? 286। ये कितना होता है? 129। माइनस क्या करना है? 50% 960 का यानी 480 इक्वल 65% क्या होता है? 13/20 इंटू एक्स। तो ये कितना हो गया? 9 2 और 1 3 1 4, 8 1 9 और 2 10, 7 और 6 13 और 9 22 यानी 522 हो गया। 7 6 13, 13 और 9 22, 522 और ये कितना है? 480 है। 480 है तो ये कितना हो जाएगा? 480 इसमें से कम करोगे तो 20 और 22, 42। 42 अपॉन 13/30, 13/20 इंटू एक्स। ये 52 होता तो कट जाता है, 52 आना चाहिए ना ये। 117 286 128 ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4 ठीक है, 8 1 9 और 2 10 ठीक है, 5 6 13 और 9 22, 522 ही आ रहा है ना। 9 6 15, 15 और 7
22, 2, 2, 2, 4, 8, 4, 12 और 1, 13, 8 और 1, 9 और 2, 11 होता है। ओके ओके, ये 532, तो ये कितना हो गया, 52। ये 52 तो 13 से कट करोगे तो ये 4, 20 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18। जो भी की क्या है, क्वेश्चन मार्क ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ फोर्थ फोर्थ में क्या दे रखा है, 1244.9 यानी 1245 हो गया। 3 × 1087 इंटू 3 करना, तो यही कर लो पहले, 1000 से कर लोगे तो 3000 आ गया, उसके बाद 800 से करोगे तो 2400, 240 और 7 से करोगे तो 21। माइनस क्या करना है, 321 × 11, 321 × 11 तो आता ही होगा, 1 2 1 3, 3 2 5, 3 3 5 3 1, कैसे होता है ये, 321 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 1 आ गया, फिर इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 5 और लास्ट में 3। ठीक है, तो ये 3000 में से ये कट कर दोगे, पहले तो -531 रह गया, -531 को इसमें से निकाल दोगे तो ये कितना रह गया, 700, 714 रह गया, और ये कितना है, 261, ऐड कर दो तो 415, 417, 975 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 75% क्या होता है, 3/4 किसका, 840 का, कितना हो गया ये, 210 माइनस 16 × 15, 16 × 15 कितना होता है, 240 इक्वल एक्स इंटू 26, ये कितना हो गया, 630, 630 माइनस 240 करोगे तो 390 डिवाइड बाई 26, तो 2 और ये 30, 30/2 कितना हो गया, 15। पांच क्वेश्चन अपने अप्रोक्सीमेशन के हो गए, इसके बाद देखते हैं अर्थमेटिक आ गई, अर्थमेटिक अपने स्टार्ट में स्किप करेंगे, उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में ये है ना, एक्स जहाँ पे भी एक्स टू और वाई टू लिखा होगा ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 180, मतलब दो ऐसे रूट आएंगे जिन दोनों का मल्टीपल तो 120 होगा, बट उन दोनों का एडिशन करने पे 28 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि ऐसे तो दो मल्टीपल कौन से हो गए, 18 और 10 हो गए, तो ये 18 और ये 10, इन दोनों का एडिशन 28, दोनों का मल्टीपल 180, तो रूट क्या हो जाएंगे, -18 - 10। ऐसे ही वाई स्क्वायर में 144 होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल और दोनों का सम 26, तो आप कहोगे 18.8, रूट क्या हो जाएगा, -18 - 8। अब ऐसी चीज बताता हूँ, देखो ये -18 देखोगे तो दोनों से छोटा है, इसके इक्वल और इससे छोटा है, ठीक है, -10 देखोगे तो -18 से बड़ा है, -8 से छोटा है, मतलब बीच में फंस गया, बीच में फंस गया तो सी एंड डी, कुछ नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27, तो ये वापिस यहाँ पे यही है 4x² और ये कितना है 4y², तो ये कितना हो गया, 56 × 4 हो जाएगा, 4 × 8 × 7 कर लो, इनका मल्टीपल तो 56 × 4 आना चाहिए दोनों रूट का, और दोनों का सम क्या आना चाहिए, 39, तो इनको ही तो तोड़ना है, इनको आपस में तोड़ूंगा तो देखो एक तो ये होता है 728 और 8, 28 + 8 हो जाए, क्या आ रहा है, 39 नहीं आ रहा, एक ही हो रहा है 728, ये तो कर ही लिया ना, 8 × 32 और 7 हो रहा है, इन दोनों का क्या सम आ रहा है, 39, तो ये माइनस माइनस के हो गए, रूट लोगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, अपोजिट साइन, ठीक है, ये कितने हो गए, डिवाइड बाई, डिवाइड भी करना है जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है। ओके, इसमें देखोगे तो मल्टीपल कितना हो गया, 80, कौन से ऐसे दो रूट हैं जिनका मल्टीपल 80 होता है, दोनों का सम 21 होगा, आपको हो गए 16 और 5। ओके, तो 16 और 5 यहाँ माइनस है, मतलब -16 - 5 रूट आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 16.5 आ जाएंगे, डिवाइड बाई जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है 1000, बट यहाँ दोनों जगह 4 4 है तो 4 4 से कट हो गया, कोई मतलब नहीं है अपने को, नहीं लेना, तो डायरेक्ट क्या हो गया, एक्स के रूट क्या हो गए 32.7, वाई के रूट क्या हो गए 16.5, आपकी डायरेक्ट नज़र पड़ी 16 पे, 16 से देखोगे तो 32 बड़ा 7 छोटा, मतलब बीच में फंस गया, बीच में फंस गया, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे देख सकते हो आप, जिसमें मतलब इजी वे में हो सकता है, 1 मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x + 4y = 112, 5x + 4y = 112, 7x - 3y = 45,
सबसे ज्यादा टाइम लीनियर में लगता है, बाकी क्वाड्रेटिक इजी कर लेते हो, लीनियर में आपको टाइम लगता है, राइट? ठीक है, या तो ये कर लो कि इसको मतलब वाई इक्वल कर लो, वाई इक्वल करोगे तो प्लस 4 वाई है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से कर लोगे, तो ये कितना हो गया 15x प्लस 12y बराबर 336, 728x माइनस 12y बराबर 45 × 4 180, 12y से 12y कट हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 43x बराबर 6 8 3 1 11 और 516, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर 12 हो गया तो 5x क्या हो गया 60 हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना रह गया 4y बराबर 52, तो y बराबर कितना हो गया 13, x की वैल्यू 12 y की वैल्यू 13, मतलब 13 बड़ा हो गया, 13 बड़ा हो गया तो डी आंसर y बड़ा हो जाएगा x से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। 29 देखा पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 160, मतलब जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है माइनस में है, माइनस में मतलब जो रूट होंगे वो डिफरेंस के बनेंगे, कि मतलब उन दोनों का डिफरेंस करोगे तब जाके 6 आना चाहिए, तो कौन से ऐसे दो रूट हैं जिनका मल्टीपल 160 और डिफरेंस 6, आपको होगी 16 और 10, 16 कोमा माइनस 10, माइनस 16 कोमा प्लस का 10, जहाँ पे यहाँ पे अगर माइनस का है ना ये 6, तो ये बड़ी वाला नंबर क्या आएगा माइनस का, छोटे वाला नंबर प्लस का आ जाएगा, तो डिफरेंस हो गया 6 का। ठीक है, तो रूट देखेंगे तो रूट क्या हो जाएगा अपोजिट साइन, यानी 16 कोमा माइनस 10। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको 256 दिखाई है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 16 16 माइनस माइनस के, रूट देखोगे तो 16 कोमा प्लस 16 कोमा प्लस 16, तो 16 तो इस 16 के इक्वल है, साथ में माइनस 10 से बड़ा है, मतलब इतना हो गया, तो ये क्या हो गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180, ये तो आपको पता होना चाहिए, 180 15 का मल्टीपल, 15 कोमा माइनस 12, माइनस 15 माइनस 12, रूट क्या हो जाएंगे 15 कोमा 12, ये 210, 210 तो ये भी आपको पता होता है, माइनस 15 और माइनस 14, ठीक है 15 कोमा 14, अब 14 से यहाँ देखोगे तो ये इस 14 पे आपकी नजर गई, इस 14 से 15 बड़ा 12 छोटा, मतलब बीच में फंस गया, बीच में फंस गया तो सी एंड डी आंसर हो जाएगा। ये अपना यहाँ पे 5 अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गई, 5 क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गई। ये अप्रोक्सीमेशन ऐसी थी कि पर क्वेश्चन आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने थे, मतलब 50 सेकंड। ये क्वाड्रेटिक भी ऐसी थी, एक लीनियर वाली में चलो आप मानोगे कि 30 सेकंड लग गए, तो बाकी और में 15 15 मानते हो, चलो 15 चौके 60 यानी 90 सेकेंड, 90 सेकेंड तो टोटल कितना हो गया 120, 140 सेकेंड यानी 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, मान लो 2.5 मिनट मान लो 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है उसके बाद आपके पास कितने मिनट रह गए 17.5 मिनट, क्वेश्चन कितने रह गए 25 मिनट, 25 क्वेश्चन 17.5 मिनट, कोई बात नहीं, मतलब अब आपके पास टाइम कितना हो गया एक क्वेश्चन के लिए लगभग 45 सेकंड के आसपास हो गया। इसके बाद देखते हैं ये वाली डीआई करेंगे अपन, पहले कौन सी करेंगे ये या केस, स्टार्टिंग में 2 डीआई थी, ये वाली कर लें। पेरेंट टीचर्स मीटिंग टुक प्लेस इन ए स्कूल ऑन 5 डिफरेंट डेज, नेमली मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन किसी स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। द टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स, यहाँ पे क्या दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स, कितने बच्चों ने अपने घर पे आके बताया कि पेरेंट मीटिंग है, मंडे को 900, ट्यूजडे को 756, वेडनेसडे को 768, थर्सडे को 720 और फ्राइडे को 456, आगे क्या दे रखा है। टेबल बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ ब्रिंग देयर पेरेंट्स इन द मीटिंग एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ब्रॉट देयर पेरेंट्स इन द मीटिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ब्रिंग, मतलब कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं उनका रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 7:5, 7 कौन से हैं जो जाते हैं, 5 कौन से हैं जो नहीं जाते, मतलब रेशियो में टोटल कितना हो गया 12, 12 की वैल्यू कितनी है 900 टोटल, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 84 76 हो गया,
ये 76 इंटू 5 7 हो जाएगा, जो जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे वो कितने हो गए, 76 इंटू 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्यूसडे को देखोगे तो ट्यूसडे को टोटल कितना हो रहा है, 9। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 756। मेरी वजह से कट तो नहीं रही ना डीए जी, नहीं। 9 की वैल्यू 76, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 अंटे 72 और 9 चौक 36, 84। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 इंटू 5। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 इंटू 4। ऐसे अपन इसका सारा डाटा निकाल सकते हैं, बट अपन करेंगे कैसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ब्रॉट देयर पेरेंट्स इन द मीटिंग ऑन मंडे टू दैट ऑफ थर्सडे। मंडे को कितने लेके आ रहे हैं, आप कहोगे कि 900 तो टोटल थे, उनमें से 7 ही लेके आ रहे हैं, 5 नहीं लेके आ रहे, मतलब 12 टोटल हो गए। 12 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 संख्या 84 76। जो लेके आ रहे हैं वो कितने हो गए, 76 इंटू 7 हो गए। पूछा किससे रेशियो, थर्सडे से, थर्सडे को टोटल कितने हैं, 720। रेशियो में टोटल 16, 16 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 45 हो गई। तो थर्सडे को जो लेके आ रहे हैं, थर्सडे को कितने लेके आ रहे हैं, आपको 45 इंटू 9। थर्सडे है ना, थर्सडे, तो अभी यहाँ पे इनको कट कर लो, कुछ कट हो रहा है, कुछ भी कट नहीं हो रहा ना, तो ये तो रेशियो आ ही नहीं रहा आसपास। यहाँ पे कुछ 7 5 12, 12 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 75 हो जाएगी ना, ये कितना हो गया 75। 15 से कट करोगे तो ये 5 और ये 3, कितना हो गया 35/27, 35/27, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ब्रिंग द पेरेंट्स इन द मीटिंग ऑन थर्सडे इज इतना परसेंट मोर और लेस देन द सेम ऑन वेडनेसडे। मतलब कौन से ट्यूजडे को है ना नहीं जा रहे, ट्यूजडे को कितने नहीं जा रहे, आप कहोगे 756 टोटल थे, रेशियो में टोटल 9 है, 9 की वैल्यू 756, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 अंटे 72, 9 चौक 36। तो जो नहीं जाने वाले कि वो कितने हो गए, 84 इंटू 4 हो गए, राइट। इसका किसके साथ लेना है, वेडनेसडे को, जो नहीं जा रहे। वेडनेसडे को टोटल कितना है, 768, रेशियो में टोटल कितना है, 8। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 768, यानी 1 की वैल्यू 8 6 8 2 अंटे 64, 9 अंटे 72, 72 और 8 6 9 96 हो गई। तो जो नहीं जा रहे वो कितने हो गए, 96 इंटू 5 हो गए। इनको कट कर लो तो ये कितना हो गया, 7 और ये 8। आगे कुछ कट रहा है, हाँ ये 4 से कट गया, तो ये कितने हो गए, 7/10। तो 10 से ये कितना कम, आप कहोगे 3 किस से है, 10 से परसेंटेज लोगे तो कितना आ गया, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स इन द पेरेंट टीचर मीटिंग इन ऑल 5 डेज टुगेदर इज रिप्रेजेंटेड इन ए पाई चार्ट देन सेंट्रल एंगल मेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स ऑन थर्सडे। थर्सडे का अगर ये पाई चार्ट में लगाते तो अपने पास कितना डिग्री बनता, एक पाई चार्ट की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, इनकी वैल्यू 360 हो जाएगी टोटल की, तो ये टोटल कितने हो गए, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34, प्लस 5 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 80 8 6 14 और 6 20, ये कितने हो गए, 0 8 2 10, 3600 टोटल हो गए। तो इस 3600 की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री, मतलब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो गई, ठीक है। पूछा किसका है, थर्सडे का, थर्सडे को कितने हैं, 720। तो 720 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 72 डिग्री। तो अच्छा ये डिग्री में है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये ऐसे ही है, ये वाली ही डिग्री थी, 108 डिग्री, 72 डिग्री और ये 84 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 34 क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ब्रॉट देयर पेरेंट्स इन द मीटिंग ऑन ट्यूजडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जो जा रहे हैं उनका एवरेज पूछ रहे हैं, किसका, ट्यूसडे का। ट्यूसडे को कितने आए थे अपने पास, 9 की वैल्यू कितनी आई थी, टोटल 9 थे ना, 9 की वैल्यू कितनी आई थी, 84। तो जो जा रहे हैं वो कितने हो गए, 84 इंटू 5, ओके। साथ में वेडनेसडे, वेडनेसडे को टोटल कितने, 8। 8 की वैल्यू कितनी हो गई, अभी आया था 94, नहीं 96, तो 96 तो जो जा रहे हैं वो कितने हो गए, 96 इंटू 3, प्लस में कितने, किसके साथ, फ्राइडे।
फ्राइडे को टोटल कितने हैं? 19, 19 की वैल्यू यानी 456, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको हो गया 24, 38, हाँ 24, तो जो जा रहे हैं वो कितने हो गए? 24 इंटू 10, इन सबको ऐड करके क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड पहले कर लो ना, 3 से डिवाइड इसमें करोगे तो ये कितना हो गया? 28, ये 3 से 3 कट गया और ये 8 हो गया, तो 28 इंटू 5 140, ये 96 और ये 80 हो गया। सम करोगे तो कितना हो गया? 6, 9 और 8, 17, 316, 316 यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इस डे का लाइट लास्ट क्वेश्चन, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड 62.5% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डिड नॉट ब्रिंग देयर पेरेंट्स इन द मीटिंग ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके, इज ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डिड नॉट ब्रॉट देयर पेरेंट्स ऑन दीज टू डेट्स ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये 80% और 62.5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने घर पे नहीं बता सकते। तो अपने को ये क्या दिया हुआ है? जो बता सकते हैं वो दिया हुआ है, तो जो घर पे बता रहे हैं वो दिया हुआ है अपने को, जो नहीं बता रहे वो 80, जैसे ये कौन सा पहला दिन कौन सा? थर्सडे, थर्सडे को 80% नहीं बता रहे, तो आप कहोगे कि 20% ऐसे हैं जो घर पे बता रहे हैं, 20% ऐसे हैं जो घर पे बता रहे हैं। नहीं 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 एक मिनट, अच्छा जो नहीं आ रहे हैं ना उनमें से ये जो 80% जो थर्सडे और फ्राइडे को जो नहीं आ रहे, थर्सडे को टोटल कितना है? 9, 16, 16 की वैल्यू 720, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 45 हो गई, तो जो नहीं आ रहे वो कितने हो गए? 45 इंटू 7 हो गए, ठीक है, थर्सडे को ही हो रहा है ना ये। और फ्राइडे की बात करें तो अपन 62.5% टोटल कितने हैं? 19, 19 की वैल्यू 456 यानी 24, तो जो नहीं आ रहे वो कितने हो गए? 24 इंटू 9, हाँ हाँ तो इनमें से जो ये जो थर्सडे को है उनका 80% है ना वो नहीं आ रहे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अपने से कौन पूछ रहा है? टोटल फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहे, कितने नहीं आ रहे? 4/5 नहीं आ रहे, कट करोगे तो कितना हो गया? 9, 9 चौक 36, 36 इंटू 7 करोगे तो 7 6 42, 4 7 21 और 4 25 252, तो ऐसे थर्सडे को जो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहे। और 62.5% क्या होता है? आप कहोगे 5/8, ये लिखा है मैंने 62.5% 1/2 प्लस 1/8, बिल्कुल 5/8, तो इनमें से 5/8 है जो फैमिली प्रॉब्लम, तो 8 से कट करोगे तो ये 3 होती 27, 27 इंटू 5 135, तो दोनों दिन में टोटल कितने हो जाएंगे? 5 2 7, 5 3 8, 387, 387 यानी ए ऑप्शन हो गया। ये अपनी यहाँ पे एक डीआई कंप्लीट होती है, उसके बाद अच्छा अगले पेज पे तो कुछ नहीं, स्टार्टिंग में चलो वापस अपन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, पहली डीआई देखते हैं, पहली डीआई क्या कहना चाह रही है ये वाली डीआई। तो जो ही अपने पास डीआई सामने आते हैं अपना पहला काम क्या होता है? उसकी डायरेक्शन रीड करना। डायरेक्शन यहाँ पे क्या कह रही है? डिफरेंट नंबर ऑफ हाउस इन 5 डिफरेंट लोकेलाइट्स नेमली ए बी सी डी ई यूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस आउट ऑफ विद सम यूजेस लेस देन और इक्वल टू 30 वाट ऑफ एनर्जी एंड रेस्ट यूजेस मोर देन 30 वाट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। The line graph given below shows the number of appliances which uses less than or equal to 30 watt of energy and number of appliances which uses more than 30 watt. Okay. Number of appliances which uses less than or equal to 30 watt of energy और ये वाला number of appliances which uses more than 30 watt energy. एक घर है जिसके अंदर अगर अपन 30 वोट के साथ तोड़े हैं तो या तो 30 वोट से कम होगा या 30 वोट से ज्यादा होगा, दो ही ऑप्शन रह गए, 30 और इक्वल है यहाँ पे साथ में और यहाँ पे 30 से ज्यादा, दो ही ऑप्शन रह गए। अब इसने क्या कहा? ए में कितनी है? अब आप कहोगे ये कितनी है? टोटल ओवर देखें तो 90 का गैप है, ठीक है, लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 लाइन है, 90 का गैप है, तो एक लाइन का गैप कितने का हो गया? 18 का हो गया,
यहाँ पे कितनी है ये 450 से 1 लाइन कम, यानी 450 से 18 कम, कितना हो गया 432। कितना हो जाएगा ये 432, और यहाँ पे ये कितना हो गया 270 से एक ऊपर लाइन यानी 288। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 630 से एक लाइन ऊपर है यानी 18 ज्यादा यानी 648। ये कितना है, ये पूरा पूरा है कितना 360, ये वाला 450, ये वाला 270। तो ऐसे अपन डाटा ले लेंगे। और जैसे अपने को ये पूछा होगा ना कि ए में टोटल कितने हैं, ए में टोटल कितने हो जाएंगे, या तो 30 से कम है या 30 से ज्यादा है, इनके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो यही हो गया 432 प्लस 288, 432 प्लस 288 टोटल करोगे तो कितने हो गए 720 टोटल हो जाएंगे ए में। ऐसे अपने को देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस विच यूज लेस देन और इक्वल टू 30 वाट ऑफ एनर्जी इन लोकेलिटी सी एंड डी टूगेदर। सी में 30 वाट से कम वाले कितने हैं 450, और डी में 360, दोनों का टोटल करोगे तो 450 प्लस 360। रेशियो किसके साथ लेना है, टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस विच यूजेस मोर देन 30 वाट ऑफ एनर्जी इन द ए एंड ई, ए और ई में टुगेदर दोनों में कितने से 30 वाट से ज्यादा वाले। ए में कितने हैं 217 प्लस 18, 270 प्लस 18, बी में कितने हैं 360 प्लस 36, तो 270 प्लस 18 कितना हो गया 288 प्लस 360 प्लस 36 यानी 396। तो ये टोटल कितना हो गया, ऊपर वाला तो टोटल हो गया 6 5 11 810 अपॉन, ये कितने हो गए 8 6 14, 10 और 8 18, 4 2 6 810 अपॉन 684। किससे कट रहा है ये, पहले तो 2 से कट कर दो, 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 405 डिवाइड बाई 342। 4 3 7 दोनों, और ये 5 4 9, मतलब 9 9 से कट रहे हैं, तो 9 से ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 4 3 7 8, तो 45/38 यानी 45:38 यानी ए ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस विच यूजेज लेस देन और इक्वल टू 30 वाट ऑफ एनर्जी इन लोकेलिटी ए एंड बी टुगेदर। ए और बी में 30 वाट से कम, ए में कितना है 450 से एक लाइन, बी में कितना है 630 से एक लाइन ऊपर, 450 से एक लाइन कम यानी 450 माइनस 18, बी में कितना है 630 से एक लाइन ऊपर, 630 प्लस 18, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 18 कट हो जाएगा, बी कितना हो गया 0 5 3 8 1080। ये कितना ज्यादा है परसेंटेज में, मोर देन द नंबर ऑफ अप्लायंस यूज्ड इन द लोकेलिटी डी, डी में कितने, तो डी में टोटल का बोला है अपने को, ना तो 30 का कहा ना 30 से ऊपर का कहा, कितना हो जाएगा ये डी में टोटल। ये तो 360 हो रहे हैं जो कम वाले हैं वो तो, और ज्यादा वाले कितने हो रहे हैं 180 प्लस 2 लाइन ऊपर है यानी 36, तो कितना हो गया 216। तो टोटल देखें तो कितना हो गया 576 हो गया, तो ये 576 से 1080 कितना ज्यादा है, आप कहोगे 504 ज्यादा है, किससे 576 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 से कट हो रहा है, तो ये कितना हो गया 7 5 12 और 6 18, 9 से भी कट हो रहा है, पहले 9 से कट कर दो तो कितना हो गया 9 5 45, 9 6 54, ये कितना हो गया 9 5 9 6 54, 9 4 36, 4 से कट करोगे तो 14, और 8 से कट कर दो, 8 से कट करोगे तो ये 7 और ये 8, तो 7/8 कितना होता है 87.5%, 87.5% यानी सी ऑप्शन। थर्ड देखेंगे तो थर्ड में क्या कह रहा है, आउट ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस यूज्ड इन द लोकेलिटी सी, टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस यूजेज इन लोकेलिटी सी, सी में जितने भी टोटल हैं, सी में टोटल कितने हैं 450, तो 30 से कम वाले हैं, 270 30 से ऊपर वाले, टोटल करोगे तो कितने हो गए 600 7 5 12, 720 हो गए। ठीक है, इनमें से 45% ऑफ द अप्लायंस यूजेज लेस देन 15 वोट ऑफ एनर्जी एंड 30% ऑफ द अप्लायंस यूजेज मोर देन 80 वोट ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ अप्लायंस विच यूजेज एनर्जी इज इक्वल टू 15 वोट, मतलब 45% है वो कौन से हैं, इनमें से 45% है वो कितने हैं जो 15 से नीचे हैं। ठीक है, साथ में इनमें जो 30% है वो कौन है 15 से ऊपर वाले होंगे, तो
मतलब जो बीच के रह गए कितने से, 80 से ऊपर वाले, सॉरी 80 से ऊपर वाले, तो ये बीच के कौन से रह गए, 15 से 80 के जो बीच में आएंगे वो, तो ये कितने हो गए, 45%, तो ये 30%, ये टोटल करोगे तो कितना हो गया 75%, तो रिमेनिंग कितना रह गया 25%, तो 25% कितना हो गया 720 का, 180, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ, इफ टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस यूजेस इन लोकेलाइट ए बी ई टुगेदर इज रिप्रेजेंटेड इन ए पाई चार्ट देन द सेंट्रल एंगल मेड बाई नंबर ऑफ अप्लायंस यूजेस इन लोकेलाइट ई, ए में कितने हैं टोटल, आप कहोगे एक तो 450 से कम, एक 270 से ज्यादा, तो 450 माइनस एक 270 प्लस एक, मतलब माइनस एक मतलब माइनस 18, तो 18 से 18 कट हो गया, तो 450 प्लस 270 कितना हो गया 720 हो गया। बी में देखें तो 630 से एक ज्यादा और 360, 360 प्लस 630 990, फिर एक ज्यादा, एक ज्यादा यानी 18 ज्यादा, तो 990 प्लस 18 कितना हो गया 1008। ई की बात कर रहे हैं, ई में कितने हो गए 540 से दो लाइन ऊपर और यहाँ पे 360 से दो लाइन ऊपर, 540 प्लस 360 900, 900 से टोटल देखे तो चार लाइन ऊपर यानी 72, टोटल कितना हो गया 972, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 2 10, 8 2 10 वो 10 10 20 और 7 2700 हो गया। ये इन 2700 को एक पाई चार्ट में डिनोट किया, एक पाई चार्ट में, पाई चार्ट की हमेशा वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री, तो 2700 की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री, तो पूछ किससे रहा है अपने को, ए के कितने हैं सर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले तो 360 बटे 2700, पूछ किसके रहा है एक के, तो एक के कितने हैं 720, तो 720 से कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2700 इंटू 720, 10 से 10, 10 से 10, 9 से कट करोगे तो 4 ये 3, फिर 3 से ये कट हो गया तो ये कितना हो गया 24 इंटू 4 यानी 96 डिग्री, ये सब डिग्री में है, तो 96 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एसडीआई का, टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस यूजेज इन लोकेलिटी एफ, एफ के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, इज 37.5% मोर देन द सेम यूज्ड इन लोकेलिटी डी, जो डी के टोटल है उनसे 3/8 ज्यादा है, तो डी के टोटल कितने हैं, आप हो गए 360, तो ये वाले हो गए जो 30 से कम है, और 180 प्लस 36 दो लाइन ऊपर यानी 216 कौन हो गए जो 30 से ऊपर है, तो कितने हो गए 3 2 5, 576 टोटल हो गए, इनसे 3/8 ज्यादा है, 3/8 ज्यादा मतलब 11/8 हो गया, 8 से कट करोगे तो कितना हो गया 8 7 56 72, तो ये कितना हो गया 792 टोटल हो जाएगा एफ के। इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अप्लायंस व्हिच यूजेस लेस देन और इक्वल टू 30 वाट ऑफ एनर्जी ई एंड एफ इज 8:5, ई और एफ के 30 और जो 30 से लेस वाले ना इनका रेशियो कितना है 8:5, ई में कितने हैं 540 प्लस 36 यानी 576, इस 8 की वैल्यू कितनी होगी 576, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 72, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, तो 360 इसमें से कौन से जो 30 से कम वाले हैं, पूछ कह रहे हैं देन द नंबर ऑफ अप्लायंस व्हिच यूजेस मोर देन 30 वाट ऑफ एनर्जी, एफ में तीन मतलब 30 से ऊपर वाले कितने हैं 360 हैं, वो नीचे वाले हैं, डिफरेंस ले लो टोटल 700 792 है टोटल, और 360 कौन से हैं जो कम वाले हैं, तो ज्यादा वाले कौन से हो जाएंगे 2 3 432, 432 यानी ए ऑप्शन। ये अपना यहाँ पे सेकंड ग्राफ कंप्लीट होता है, इसके बाद है कैसलेडीए, कैसलेडीए देखेंगे, कैसलेडीए क्या कहना चाह रही, ऑन ए पर्टिकुलर डे 1305 पीपल ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन बाई रेड लाइन ब्लू लाइन ग्रीन लाइन मेट्रोज फ्रॉम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल थ्रू रेड ब्लू ग्रीन लाइन 23 40 24, ये टोटल दे रखे हैं, ठीक है अपन यहाँ पे बनाएंगे इसको, क्या बोल रहे हैं अपने को 1305 टोटल पीपल है, किस किस में है रेड लाइन ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, रेड ब्लू ग्रीन, थोड़ा सा नीचे देखो तो अपने को मॉर्निंग इवनिंग और नाइट दे रखा है, मतलब इनमें मॉर्निंग में भी जा रहे होंगे, इवनिंग में भी जा रहे होंगे, नाइट में भी, फिर क्या हो जाएगा टोटल, एक मिनट, तो ये डीआई क्या बोल रही है, हाँ तो 23 40 और 24 है ना वो रेड ब्लू ग्रीन के टोटल है, कितने 23 40
इस तो रेशियो का टोटल कितना आ गया आपके पास, 7, 4, 4, 8, 87। ये बोल रहे 87 नहीं, 1305 है। एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1, 13, 45, 455, नहीं 435 यानी 5, तो एक की वैल्यू 15, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 345। इट्स ओके, ये कौन सा आ गया, टोटल आ गया जो अपने को पता है 1305। इसके अलावा जो भी दिया अपन देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी क्या बोला है? इन मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू रेड लाइन इज 40 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू ब्लू लाइन। जो ब्लू लाइन वाले हैं ना उनसे 40 लेस देन है कौन से, रेड लाइन वाले। ओके, विच इज 40 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल थ्रू ग्रीन लाइन। जो ग्रीन वाले लाइन वाले हैं ना, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितने हैं, इनसे 40 कम यानी एक्स माइनस 40। रेड वाले इनसे भी 40 कम यानी एक्स माइनस 80। इवनिंग में क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू रेड लाइन एंड ब्लू लाइन इज 7:9। जो रेड लाइन और ब्लू लाइन से जा रहे हैं उनका रेशियो क्या है, 7:9 है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू रेड लाइन इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु थ्रू ग्रीन लाइन। 40% ज्यादा यानी 40% क्या होता है, 2/5। अगर ग्रीन के 5 हैं तो ब्लू रेड के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। रेड के तो 7 है मतलब ग्रीन के कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। नाइट में क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल थ्रू रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन इज 5:4। रेड लाइन और ग्रीन लाइन का रेशियो क्या है, 5:6। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल थ्रू ब्लू लाइन इज 50 मोर। जो ब्लू वाले हैं ना वो 50 मोर देन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू रेड लाइन। जो रेड लाइन जा रहे हैं उनके जो ट्वाइस है ना उनसे भी 50 ज्यादा है। तो अगर ये इसको जेड मानो यहाँ, तो ये 5Z, ये 4Z, तो ब्लू वाले कितने हो जाएंगे, 10Z+50 हो जाएंगे ब्लू वाले ना। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गए, XZ, तो ये YY। तो अपने पास ये रेड लाइन का टोटल करें तो रेड लाइन का टोटल अपने को दे रखा है, ब्लू लाइन का टोटल अपने को दे रखा है, ग्रीन लाइन का अपने को टोटल दे रखा है। तो रेड लाइन का टोटल करें तो कितना हो गया, X-80+7Y+YZ। X-80+7Y+5Z = 345। ये कितना हो गया, X+7Y+5Z = ये 80 इधर आके प्लस का हो जाएगा यानी 425। एक इक्वेशन ब्लू लाइन की देखें तो X-40+9Y+10Z+50, तो -40+50 यानी प्लस का 10 रह गया, प्लस का 10 अपोजिट 600 की साइड जाएगा, तो माइनस का 10 यानी 590 हो जाएगा। X+9Y+5Z, X+9Y+5Z = 590। थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन कहाँ की, ग्रीन की, X+5Y+4Z = 360। X+5Y+4Z = 360। इन दोनों इक्वेशन से x चला जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से x चला जाएगा, तो सेकेंड में से अगर फर्स्ट माइनस करें तो x से x कट गया, तो ये क्या रह गया, 2Y+ 1 मिनट, 5Z, 5Z दोनों जगह, तो ब्लू ले, ब्लू में 10Z था ना ये, तो 5Z, 10Z-5Z करोगे तो 5Z इक्वल कितना हो गया, 165, राइट। यहाँ पे लेंगे डिफरेंस तो कितना हो गया, सेकंड में से थर्ड निकालेंगे तो x से x कट गया, 9Y-5Y+4Y+10Z-4Z+6Z = कितना आ जाएगा, 230। तो ये कितना हो गया, 2Y+3Z = 115। ये देखो 2Y+5Z, 2Y+3Z, अगर सेकंड इस इक्वेशन में से ये वाली माइनस कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा, 2Y से 2Y कट जाएगा, 5Z में से 3Z जाएगा, तो 2Z इक्वल कितना हो जाएगा, 160-115 यानी 50। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25, Z की वैल्यू 25। तो ये कितना हो गया, 125। यहाँ पे Z की वैल्यू 25 रखोगे तो
250 + 50 300, यहाँ पे 25 रखा तो ये 100 हो गया, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी है, 25, यहाँ पे रखना 25, कितना हो जाएगा ये 125, ये 125 इधर आके माइनस का, यानी 40, 2y = 40 यानी y = 20, y = 20 तो ये कितना हो गया 140, 180, ये 100 हो गया, 200, 200, 200 और मॉर्निंग क्या x, तीनों मिला के 360 होता है टोटल, तो 360 में से 200 कम करोगे तो 160 क्या हो गया x की वैल्यू, ये 160 तो ये कितना हो गया 120, 120 तो ये कितना हो गया 80 हो गया, सारा डाटा आ गया अपने पास। सम और देख लेते हैं, ये कितना हो गया 200, 200 तो 360, ये वाला कितना हो गया 320, 420, और ये 5, 2, 3, 4, 5, 525 टोटल कितना हो गया 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 60, 20, 80 और 105, 1305, बिल्कुल राइट है। इस साइड भी टोटल यही आ रहा है। तो अपन यहाँ पे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नहीं फोटो ले लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। डन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल वो ट्रेवल थ्रू ग्रीन लाइन इन मॉर्निंग, ग्रीन लाइन से मॉर्निंग में कितने जा रहे हैं, आपको कि 160। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल वो ट्रेवल थ्रू ब्लू लाइन इन मॉर्निंग, ब्लू लाइन में मॉर्निंग में 120। रेशियो किसके साथ लेना है, इवनिंग, ब्लू लाइन में इवनिंग, ब्लू लाइन में इवनिंग में कितने हैं 180, रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, बी ऑप्शन। नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग थ्रू रेड लाइन इन इवनिंग, रेड लाइन में इवनिंग में, नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग थ्रू रेड लाइन इन इवनिंग 140 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग थ्रू रेड लाइन एट नाइट, रेड लाइन एट नाइट यानी 125, कितने ज्यादा हो गए 15, किससे 125 से इंटू 100, और ये 4, ये 5, 5 से ये कट गया तो ये 3, परसेंटेज कितना आ गया 12%, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग एट नाइट, नाइट में टोटल पीपल कितने जा रहे हैं 525, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग ऑन मॉर्निंग, मॉर्निंग में जा रहे हैं उनका एवरेज बताओ, मॉर्निंग में टोटल कितने जा रहे हैं 360, कितने कितनी लाइन है, तीन लाइन है तो 360/3 करोगे एवरेज लेने के लिए तो 120, आंसर 120 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए हुए। ये अपने यहाँ पे 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन और एक केसलेट के 5 क्वेश्चन, 15, 15 से 5 क्वेश्चन पहले वाले, पिछले वाली डिवाई कौन सी थी, ये बार ग्राफ वाली, तो इसके 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके तो टोटल 20 और लास्ट डीआई मतलब टेबल वाले डी 25 क्वेश्चन, बचे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन किसके रखे हैं अर्थमेटिक के, यहाँ से स्टार्ट होते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, स्टार्ट करें। मिक्सचर ए कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4, ए में मिल्क और वाटर कितना है 9:4, ठीक है, इज मिक्स्ड विद मिक्सचर बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:8, बी में कितना है मिल्क और वाटर 8:3 है। If quantity of milk in mixture A is 96 ml more than that of mixture B, A क्या milk B के milk से कितना ज़्यादा है 96, तो A का milk कितना है 9x, B और water 4x, B का milk कितना है 8y, B का water कितना है 3y, तो 9x minus 8y कितना बोला है 96, ठीक है। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सर, टोटल क्वांटिटी, टोटल यहाँ पे कितना है 13x, यहाँ पे कितना है 11y, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 13x + 11y करोगे तो 680, तो यहाँ पे कोई भी एक चीज़ सेम बना लो, सेम बनाओगे तो क्या बना रहे हो, पूछा क्या आपने को, देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, ए की टोटल क्वांटिटी पूछी है मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है अपने से, तो वाई को कट कर देते हैं, वाई को कट कर देते हैं तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से कर दो, तो y तो कट हो जाएगा इंटू 11 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 8, ये तो 88 हो गया, यहाँ भी 88, तो दोनों को ऐड करोगे तो कट हो गए,
ये कितना हो गया 99x, और ये 104, दोनों का एडिशन देखोगे तो कितना हो गया 203x, इक्वल में ये कितना हो गया 9 6 9 6 15, 1056 प्लस 0 8 64 6 8 6 48 और 6 500, सम करोगे तो कितना हो गया 96 4 6 4 9 6, 203x बराबर, x बराबर कितना आ गया, 3 बार गया तो 406 नहीं 609, 609 यानी 40 बच गया, तो 406 यानी 232 रह गया। तो पूछा क्या अपने से, ए की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 13 × 32, तो 13 × 26 2 39 और 2 41 यानी 416 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, ए है वो बी से 40% लेस एफिशिएंट है, 40% यानी 2/5, 2 कम एफिशिएंट है ए बी से, तो बी की अगर 5 एफिशिएंसी हुई तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वो इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी, जो बी है ना वो सी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, 25% कितना होता है 1/4, अगर सी की एफिशिएंसी 4 हुई तो बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 45 डेज, सारे 45 डेज में कर लेते हैं, ए 3 की एफिशिएंसी से, बी 5 की एफिशिएंसी से, सी 4 की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 12, 12 की एफिशिएंसी से 45 दिन काम करेंगे तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क कितना हो गया 12 × 5 = 60 540, ठीक है। इफ बी एंड सी टुगेदर वर्क इट ऑन इट फॉर 40 दिन, बी और सी 40 दिन काम करते हैं, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 9, 9 की एफिशिएंसी से 40 दिन काम करेंगे मतलब 360 काम हो गए, ठीक है। रिमेनिंग कितना रह गया 180 एंड लेफ्ट, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कम्प्लीट रेस्ट ऑफ वर्क अलोन, ए रेस्ट वर्क अलोन करें, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 की एफिशिएंसी से 180 काम कितने दिन में कम्प्लीट हो जाएगा 60 डेज में, ए ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट रुकना। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए फोन लॉक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिजिट वेयर ईच डिजिट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 9, इफ ए पर्सन ट्राइज एनी कॉम्बिनेशन रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पुट्स एट लीस्ट 3 डिजिट राइट बट ही इज अनेबल टू अनलॉक द फोन, 3 डिजिट है वो तो एकदम राइट रखता है बट लॉक को नहीं खोल पाता, मतलब 500 राइट नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 राइट हो सकती है 4 राइट हो सकती है, इससे कम भी नहीं हो सकती, तो 5 में से कोई भी 3 राइट हो जाए क्या हो गया 5C3 वेज, साथ में 2 रॉन्ग होने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 10 10 डिजिट है, एक तो सही डिजिट है बाकी 9 डिजिट गलत है, तो 9 में से कोई भी एक आ जाए, दूसरी जो खाली जगह है वहाँ भी 9 में से कोई भी एक आ जाए, साथ ही में दूसरा केस क्या बनेगा जब 4 सही हो, 5 में से कोई भी 4 सही मतलब 5C4, एक जगह बच गई वहाँ पे गलत होनी चाहिए यानी 9, टोटल केस कितने हो गए 5C3 यानी 5C3 बराबर 5C2 होता है, पहली बात तो पढ़ा होगा एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ, एन सी आर क्या होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, इक्वल क्या हो गया एन का फैक्टोरियल अपॉन एन सी, तो यहाँ पे क्या लिखा था एन माइनस आर लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे एन माइनस 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 प्लस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन से एन कट के ये वापस आर का फैक्टोरियल रह गया, तो आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर एन माइनस आर एन एन इक्वल, तो ये इसकी वजह से होता है। ये कितना हो गया 5C3 बराबर 5C2, 5C2 क्या होता है आपको पता है 5 से 2 बार होने से 2 × 1, तो कितना हो गया 2 10, 10 × 9 × 9 कितना हो गया 810 प्लस 5C4 क्या हो जाएगा ऐसे 5C1 हो जाएगा, 5C1 5 होता है कितना हो गया 45, यानी टोटल केस कितने हो गए 8 5 55, प्रोबेबिलिटी में ये तो फेवरेबल केस हो गया 8 55 अपॉन में क्या था टोटल केस, टोटल केस 10 में से यहाँ कोई पहली जगह पे कोई आ जाए, दूसरे वाले में 10 में से कोई, तीसरी में कितनी 5 डिजिट का तब जाके वो कोड बनेगा, वी कितना हो गया 0.00855, तो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। अभिषेक इन्वेस्टेड x प्लस 1750,
इन्हें स्कीम ए ऑफरिंग ए सिंपल इंटरेस्ट 16% पर एनम फॉर 5 ईयर एंड आर एस एक्स प्लस 707 इन स्कीम बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। ठीक है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम फॉर बोथ स्कीम इज 11,610 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स प्लस 1750 को इसने किस पे इन्वेस्ट किया, 16% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 16% का 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80%। बट आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो 80% का अमाउंट कितना हो जाएगा, 180/100। साथ ही में इसने एक्स प्लस 750 और इन्वेस्ट किया, वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया इसने, 12.5% कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 12.5% क्या होता है, हो गए 100 से डिवाइड करके 0.82, तो 0 125, यानी कितना हो गया ये, 5/40, 5/40 यानी 1/8। अगर आठ आठ प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 9/8। फिर से 2 2 साल के लिए लगाए, मतलब 9/8 इक्वल कितना दे रहे, 11,610। ये कितना हो गया, 100 10 से 10 9 और ये 5, कितना हो गया 9x/5 प्लस 5 से कट करोगे तो 5 3 15, 350, 350 × 9, 350 × 9 300 3500, 3,150। ए प्लस एक्स प्लस 700 × 9, 81x/64 प्लस 750 × 81/64 इक्वल में कितना हो जाएगा, 11,610। तो यहाँ से अपन एक्स को एक साथ लेंगे तो कितना हो गया, 64 × 5 320, तो 64 × 9 कितना हो जाएगा, 640 − 64, तो कितना हो गया, 640 − 600 − 24, 576x प्लस 81 81 × 5 यानी 405x प्लस में देखोगे तो कितना हो गया, ये 3,150 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया, 0 6 8,460 माइनस का 750 × 81/64। इतना आ गया, इसको ही क्या लिख सकते हो आप, 64 × 8,460/64 कट करोगे तो कितना हो गया, 5 5 कट करोगे तो ये आ गया, आगे वाली जगह खाली तो है ना, मैं गायब हो जाता हूँ, आई थिंक हो गया होगा, नहीं हुआ, कितने से हो रहा है, अच्छा 9 से हो रहा है। अब कितना हो गया ये, 76 और 5 81 981x इक्वल में कितना आ गया, 64 × 5 ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 यहाँ भी आ जाएगा और 5 यहाँ भी आ जाएगा, कितना हो गया, 64 × 5 320 320 × 8,460 प्लस ये कितना हो गया, 7 5 35 यानी 8 5 40 405, 750 × 405। अब ये पूरा खेल कैलकुलेशन का रहा है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120। ए एंड बी इंटर इनटू ए बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1216 और 1344। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1216। सी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने, सॉरी 1344। आफ्टर 7 मंथ ए एंड बी मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, मतलब ए ने कितना ऐड किया, 2x, सी ने, बी ने कितना ऐड किया, 3x। ठीक है, तो कितने मंथ के बाद, 7 मंथ के बाद, इंटू 7 रहेगा ये, साथ ही में 1216 प्लस 2x हो जाएगा नेक्स्ट के लिए, इसका कितना हो जाएगा, 1344 प्लस 3x। इफ आफ्टर 15 मंथ्स, 15 मंथ टोटल रहेगा, मतलब ये 8 मंथ रहेंगे। ठीक है, 8 मंथ के बाद ये क्या हो जाएगा, टोटल करोगे तो 1216 × 7 और 1216 × 8, 1216 × 15, 15 6 90, 9 15 और 9 24, 2 15 2 30 और 2 32, 3 15 3 18,240 प्लस 16x, इसका कितना हो गया, 1344 × 7, 1344 × 8 यानी 1344 × 15, 15 चौके 60,
60 और 6, 66, 6, 15 थी 45 और 6, 51, 5, 13 और 5, 18,160, कम कैसे हो गए? 1344 इंटू 15, 15 चौके 60, आठ लगे 6, 15, 6, 15 थी 45 और 6, 51, 5, 20,160 होगा ना, प्लस 24x। साथ ही में कहना क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज द टोटल प्रॉफिट 18,700 है और ए का कितना है 8800 है, ठीक है। तो ए का 8800 है तो बी का कितना हो जाएगा, 18,700 माइनस 8800, 00, 9, 8, 17 और 9 तो 99, रेशियो लेंगे तो कितना आ गया 8/9 आ गया। यहाँ से रेशियो देखें तो कितना हो गया, 18,240 प्लस 16x अपॉन 20,160 प्लस 24x इक्वल कितना हो जाएगा 8/9, 8 से कट रहा है ये, हाँ जी कट रहा है, कितना हो गया 8 दूनी 16, 22, 22 यानी 8 दूनी 16 और 20 64, 2280 प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, 6 2 8 1 9, 3 से ये कट रहा है तो ये 3, ये कितना हो गया 33 18 7 21, 6,720 प्लस 8x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया, 2280 इंटू 3 करोगे तो 6,640 प्लस 6x बराबर 6,720 प्लस 8x, ये कितना आ गया 2x बराबर 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60। तो ये पूछ क्या रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाई ए ने कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, आपका हो गया 2x। ए ने कितना किया था, 2x किया था, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, तो ए आंसर हो जाएगा यानी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, 21 लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ एक्स प्लस 4, ब्रेथ कितनी दे रखी है एक्स माइनस 2 रेस्पेक्टिवली। इफ कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ आर एस 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 3456, इस फील्ड के ऊपर प्लगिंग लगाने के लिए, प्लगिंग यानी खेत के अंदर मतलब बीज डालने के लिए वगैरह करने के लिए 15 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगते हैं, तो 3456 रुपये टोटल लगते हैं, ठीक है। 3456 रुपये, 1 मिनट, 8 रुपये लगते हैं सॉरी, तो 3456 रुपये लगते हैं, ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपये लगते हैं, तो 3456 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के लगेंगे, हो गए 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, 8 3 24, 432, 432, 432 क्या आ गया एरिया आ गया, तो एरिया क्या होता है हमेशा एल इंटू पी बराबर 432, राइट। ये क्या है एल, ये क्या है बी, एल और बी में देखो डिफरेंस देखोगे तो कितना है, आप कहोगे 4 और 2 6 का डिफरेंस है, अगर जैसे एक्स की वैल्यू 10 आई तो ये 14 हो गया, सॉरी एक्स की वैल्यू 10 आई तो ये 14 हो गया और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 और 14 में डिफरेंस कितना है 6 का ना, ये 6, तो दो ऐसे रूट बताओ जिनका डिफरेंस 6 हो और उनका मल्टीपल 432 हो, मन में क्वाड्रेटिक मानो ना, ऐसी तो होती है क्वाड्रेटिक, उनका डिफरेंस 6 हो और उनका मल्टीपल 432 हो तो कितना हो जाएगा, 432 को तोड़ दो, 2 × 216, फिर 2 × 6 × 36, 6 × 36, तो ये 12 36 है तो 20 बन रहा है, 20 बन रहा है तो इसको और वापस तोड़ दो, 6 × 6, 6 × 6 से तो नहीं होगा, 9 × 4 तोड़ो कितना हो गया, 9 × 2 = 18 और 6 × 6 = 24, 18 और 24, क्या 6 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है, ज्यादा कौन सा था लेंथ यानी 24, ब्रेथ कितनी होगी 18 होगी। अब पूछ क्या रहे, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ, फेंसिंग कहाँ होती है चारों तरफ होती है, फेंसिंग चारों तरफ होती है मतलब पेरीमीटर पे, 24 लेंथ 18 ब्रेथ, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ 24 + 18 32, 42, 42 × 2 84 मीटर का टोटल है, एक 84 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर के कितने रुपये लग रहे हैं 15 रुपये, 84 के कितने लग जाएंगे 84 × 15, 15 चौके 60, 6 1260 रुपये,
नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ए और बी 493 किलोमीटर दूर है, कितना डिफरेंस है दोनों? 493 किलोमीटर का। ओके, एंड दे स्टार्ट रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 36 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये तो 36 की स्पीड से जा रहे हैं, ये 64 की स्पीड से, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इफ ए इंक्रीज हिज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, ए हर आवर में 6-6 इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एंड बी डिक्रीज हिज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एवरी आवर, ये भाई साहब 4-4 डिक्रीज कर रहे हैं। देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, कितने टाइम बाद ये मिल लेंगे, ठीक है। पहले ओवर में तो दोनों 36 प्लस 60 यानी 100 की स्पीड से कवर करेंगे, एक ओवर में दोनों कितने चल रही है, 100 चल रही है। सेकेंड ओवर में ये 6 इंक्रीज करेगा, ये 4 डिक्रीज करेगा, ओवरऑल देखें तो 2 इंक्रीज होगी, ओवरऑल 2 इंक्रीज होगी, तो मतलब टोटल 102 कवर होगा। थर्ड ओवर में देखें तो फिर से 2 इंक्रीज यानी 104 हो जाएगा, चौथे ओवर में देखें तो फिर से 2 इंक्रीज यानी 106 हो गया। टोटल 4 ओवर में कितनी डिस्टेंस कवर हो ली, 6 4 10 12, 412 किलोमीटर। करनी कितनी है अपने को, 493 यानी 412 होगी, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 81। अब नेक्स्ट आवर दोनों मिलके कितनी कवर करेंगे, एक आवर में 108, एक आवर में 108 कवर करेंगे, तो 81 कितने आवर में कवर करेंगे, आपको होगी 81/108 यानी 9 से कट रहा है तो ये 9 और ये 12, 3/4, 3/4 आवर है तो मिनट में चेंज करोगे तो कितना हो गया, 15 थी 45, 45 मिनट यानी 4 आवर और 45 मिनट लगेंगे उनको, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, देर आर टोटल 300 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ए बी सी ऑफ ए क्लास, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल 3 सेक्शन वेर 90.7। ए बी सी 3 सेक्शन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 300। ये बना नहीं ढंग से, चलो तो कोई बात नहीं, तीनों का टोटल एवरेज कितना है, 90.7। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तीनों में, 300, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी और सी का एवरेज कितना है, 92.5, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ए वाज 88, ए का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 88 दे रखा है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी एंड सी इज 5:4, बी और सी में स्टूडेंट्स किस रेशियो में, 5:4 में। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, सेक्शन बी के स्टूडेंट अपने को बताने हैं यहाँ पे। अब इसमें आप एक काम करो, बी और सी को एक ही सेक्शन मान लो, क्योंकि बी और सी का एवरेज दे रखा है आपको, ए का एवरेज दे रखा है और टोटल दे रखा है, बी और सी को मैंने कंबाइंड कर लिया, एक ही चीज़ है। ए का सेक्शन का एवरेज कितना है, 88, बी और सी का टोटल मिला के मान लो कोई एक डी सेक्शन है, डी का एवरेज कितना है, 92.5। ए और डी का एवरेज कितना हो गया आपको दे रखा है, कितना, 90.7। एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना हो गया, डिफरेंस लोगे तो 1.8, ये कितना हो गया, 2.7। रेशियो लोगे तो कितना हो गया, 2:3। टोटल कितना हो गया, 5, 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 60। मतलब ए में स्टूडेंट्स कितने हो गए, 120, बी और सी के दोनों के मिला के कितने हो गए, 180, दोनों के मिला के एडिशन कितना हो गया, 180। रेशियो कितना दे रखा है, 5:4 यानी टोटल 9, 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 4 की वैल्यू 80। ए में स्टूडेंट्स कितने हो गए, 120, बी में कितने हो गए, 100, सी में कितने हो गए, 80। ए बी सी तीनों के अलग अलग आ गए, जिसका पूछ रहा है उसका बता दो, बी का पूछ रहा है बी में कितने हैं, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टू स्टूडेंट्स अपियर्ड इन एन एग्जाम एंड वन स्कोर 15 मार्क्स मोर देन द अदर। एक है ना वो तो 15 नंबर ज्यादा ले लेता है दूसरे से, एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वो गोट मोर मार्क्स इज 52% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बोथ ऑफ देम, देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम। जो ज्यादा मार्क्स लेता है ना वो क्या करता है, 52% ले लेता है, 52% ज्यादा ले लेता है, गोट इफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वो गोट मोर मार्क्स इज 50%, मतलब दोनों का टोटल होता है कुछ ना कुछ, इसने एक्स लिए इसने वाई लिए, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। इस टोटल का जो ज्यादा वाला है वो कितना है, 52%। कोई भी टोटल अपने आप में 100% होता है, तो ये कितना हो गया, 48% हो गया, एक 52%, एक 48%, दोनों में डिफरेंस कितना,
4%, 4% की वैल्यू आपको कितने दे रखी है, 15 दे रखी है। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, एक तो 52% पूछ रहे हैं, 52% यानी 13 को डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 113, 130 प्लस 65 यानी 195 हो गया। ठीक है, एक कौन सा है, 48%, 48% यानी 12 से मल्टीप्लाई, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 180। एक स्टूडेंट्स के तो 195 आ रहे हैं, दूसरे के 180 आ रहे हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25, तो परसेंटेज ऑफ द ए इज 40% मोर देन परसेंटेज ऑफ बी, जो ए की एज है ना वो 40% ज्यादा है किससे, बी की एज से। बी कितना, 40%, 40% कितना होता है, 2/5, 2/5 तो ए की एज कितनी होगी 7, बी की एज कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, ए इज 13 ईयर ओल्डर एल्डर देन सी, जो ए है ना वो 13 ईयर एल्डर देन है सी से। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स डी विल बी 18 ईयर एल्डर देन सी, ए है वो 13 ईयर एल्डर देन सी। ठीक है, और 20 ईयर के बाद डी विल बी 18 ईयर एल्डर देन सी, 20 साल के बाद 18 साल बड़ा हो जाएगा सी से, तो आज भी तो 18 साल बड़ा ही होगा, राइट। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल फोर टुगेदर इज 43.5, ए की एज अगर प्रेजेंट में माने तो 7 यूनिट और बी की एज माने तो 5 यूनिट होगी। सी की एज कितनी होगी, ए से 13 साल ज्यादा यानी 7 यूनिट प्लस 13 होगी। डी की एज कितनी है, इससे 18 साल ज्यादा यानी कितनी होगी, 7 यूनिट प्लस 31। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज, तो टोटल प्रेजेंट एज टोटल कितना आ जाएगा चारों का, 7, 5, 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26 यूनिट प्लस 13 और 31 44 इक्वल 43.5 उनका एवरेज है, तो चारों का टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 एक 174, तो ये 44 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो कितना हो गया 130। 26 यूनिट की वैल्यू कितनी है 130, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। पूछ क्या रहा है, डी की परसेंटेज, डी की परसेंटेज कितनी है, 35 प्लस 31 यानी 36, 66 सॉरी 66 ही आ रही है ना, डी की वर्तमान आयु। आफ्टर 20 ईयर्स डी विल बी 18 ईयर्स एल्डर देन सी, बीस वर्ष बाद डी सी से 18 वर्ष बड़ा होगा, मतलब ये तो प्रेजेंट का है तो देर का है, नहीं मतलब दोनों का उस टाइम का दे रहा है, 20 वर्ष बाद ही, 20 वर्ष बाद तो 18 साल बड़ा हो जाएगा। अगर सी की अपन प्रेजेंट लेके करें, सी की प्रेजेंट के 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष छोटा कितना हो जाएगा डी, सी की अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग करें तो डी कितना होगा, इससे 18 साल बड़ा होगा, पर वो एज कितनी हो जाएगी, डी प्लस 20 हो जाएगी, तो डी की एज कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट प्लस 11, अगर 11 करें यहाँ, ये 11 तो यहाँ भी कितना कम आ जाएगा, 20 कम हो जाएगा यानी 24, 24 तो यहाँ 150, नहीं अपन सही थे तो कुछ कटेगा नहीं ना, नहीं वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, एक यूनिट की वैल्यू 5 तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 और प्लस 31 कितना हो गया, 66, 66 ऑप्शन नहीं है, तो ये देख लेना, या वरना अगर कोई इश्यू आया इसमें मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट मॉक होता है, तो ये मॉक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर प्रेस करें, मेरी फोटो नहीं आ रही, 0 से 1, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और शाम को किसकी वीडियो आएगी, चेकलिस्ट की वीडियो आएगी, तो वो भी देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।